नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। सुक्की सरकार का नारा तो दिया, पर ना थमी महंगाई न जनता पर बोझ घटा। हिमाचल प्रदेश में महंगाई को मुद्दा बनाकर हर वर्ग में कई उम्मीदें जगाकर सत्ता में आई कांग्रेस ने सुक्की सरकार का नारा तो दिया, पर ना महंगाई थमी और ना ही धरातल पर कोई वादा उतरा। सही सलाहकारों के ना होने और अनुभवहीनता के कारण करीब 51 दिन की सुक्खू सरकार अपनी कथनी और करनी में तालमेल न बैठा पा रही है। इतना ही नहीं, पुरानी सरकार के 600 से ज्यादा सरकारी संस्थानों को डी नोटिफाई करने पर भी कई जगह लोग एतराज जता रहे हैं। हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में दुश्वारियां बरकरार, 287 सड़कें, 116 बिजली ट्रांसफार्मर अभी भी ठप। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बुधवार को मौसम साफ रहा। गुरुवार को मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति के कुछ भागों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। महिलाओं के लिए प्रतिमा 1500 रुपए देने का जुगाड़ करने में जुटे अफसरों के छूटे पसीने। कांग्रेस सरकार की तीसरी गारंटी के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए देने का जुगाड़ करने में अफसरों के पसीने छूटने लगे हैं। राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से लेकर सचिव सामाजिक न्याय व अधिकारिता के कार्यालय में इस बाबत बैठकों का दौर चला। मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना को लेकर 4 फरवरी को फिर कैबिनेट उप समिति की बैठक आयोजित करने का फैसला लिया गया है। सीएम सुक्खू बोले, विजिलेंस की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 60% पेपर लीक हुए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पेपर लीक मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने प्रारंभिक रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पर वो कह सकते हैं कि करीब 60% पेपर लीक हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेपर लीक होना गंभीर बात है। पेपर लीक मामले में वो कह सकते हैं कि 5 साल से ये वारदातें चली हुई थी। सीएम ने ये बात बुधवार को राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत में कही। साइबर ठगी के 5 मामलों में शातिरों ने लगाया 1 करोड़ से अधिक का चूना। हिमाचल प्रदेश में जनवरी अंत तक साइबर ठगी के 5 बड़े मामले सामने आए हैं। इन मामलों में साइबर ठगों ने पीड़ितों को 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का चूना लगाया। इसको लेकर साइबर थाना शिमला में वित्तीय धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में सोशल मीडिया पर सेक्सटॉर्शन के अलावा मोबाइल टावर, ऋण और शेयर बाजार में ट्रेडिंग के नाम ठगी हुई। मंडी जिले के एक मामले में 17,54,000 और कांगड़ा के दूसरे मामले में 6,15,000 रुपए की ठगी हुई। सुक्खू बोले, केंद्र सरकार का वार्षिक बजट मात्र छलावा, विशेष ग्रांट नहीं मिलने से निराशा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट 2023-24 में कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए इसमें कुछ भी नहीं। हिमाचल में रेल और राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आयकर दरों में किया बदलाव पर्याप्त नहीं, आम जनता को इससे और ज्यादा छूट की उम्मीद थी। ये बजट केवल समृद्ध लोगों के पक्ष में है। महंगाई से परेशान मध्यम वर्ग को निराशा हुई, कर्ज के बोझ से जूझ रहे राज्यों के लिए बजट में कोई विशेष छूट नहीं है। सलापड़ में फर्जीवाड़ा, महिला की 2 FD पर किसी और को जारी कर दिया ऋण। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारतीय स्टेट बैंक की सलापड़ शाखा में महिला की 5 लाख की 2 FD पर फर्जीवाड़ा कर ऋण बनाने का मामला सामने आया। FD का समय पूरा होने पर जब महिला राशि लेने बैंक पहुंची तो बैंक कर्मचारी ने FD पर ऋण होने की बात कही। महिला का कहना है कि उन्होंने कोई ऋण लिया ही नहीं है। मुकेश बोले, रंगस में अवैध खनन से दूषित हुई पेयजल योजना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र नादौन के रंगस में अवैध खनन की वजह से जल शक्ति विभाग की पेयजल योजना का स्रोत दूषित हुआ है। इस वजह से करीब 1000 लोग डायरिया की चपेट में आ गए। ये बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को डायरिया प्रभावित क्षेत्र में विभाग की पेयजल योजनाओं का निरीक्षण करने से पहले मीडिया से बातचीत में कही। ट्रक ऑपरेटर्स का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, 40 ने दी गिरफ्तारियां। माल भाड़े को लेकर अदाणी कंपनी के दारला घाट और बरमाना सीमेंट प्लांट में 50 दिन से चल रहे विवाद का हल न निकलने पर बुधवार को ट्रक ऑपरेटर्स के सब्र का बांध टूट गया। गुस्साए ऑपरेटर्स ने प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार और अदाणी कंपनी के खिलाफ हल्ला बोला। ट्रक ऑपरेटर्स ने जमकर नारेबाजी की और दारला घाट में हाईवे पर आधा घंटा जाम लगा दिया।
स्नातक और होटल मैनेजमेंट करने के बाद नरेंद्र ने की मशरूम की खेती। हर साल कमा रहे 15 लाख रुपए। बिलासपुर जिले के नमहोल के रहने वाले नरेंद्र सिंह ने स्नातक शिक्षा होटल मैनेजमेंट करने के बाद नौकरी नहीं बल्कि अपना कारोबार करने की ठानी। नतीजा आज सामने है। नरेंद्र ग्राम पंचायत निहारखंड बासला के गांव पलोग में ऑर्गेनिक मशरूम की खेती कर रहे हैं। नरेंद्र राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट मशरूम ग्रोवर अवार्ड ऑफ इंडिया जीत चुके हैं। उन्होंने साल 2008 में 100 मशरूम कम्पोस्ट बैग से मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में कदम रखा था। 10,000 चालक परिचालक एरियर ओवर टाइम को तरसे। एचआरटीसी के करीब 10,000 चालक परिचालकों को करीब 3.5 साल से एरियर और रात्रि ओवरटाइम भत्ता नहीं मिल पाया। इसके चलते चालकों और परिचालकों में निराशा है। चालकों और परिचालकों के अनुसार पूरे प्रदेश के करीब 10,000 परिचालक बीते 3 साल से अधिक समय से एरियर और रात्रि ओवरटाइम भत्ते की अदायगी को लेकर प्रदेश सरकार के आगे अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं, लेकिन समस्या जो की त्यों बनी हुई है। 25 फरवरी को विशेष विमान से धर्मशाला पहुंचेगी भारत और ऑस्ट्रेलियन टीम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में होने वाले टेस्ट मैच से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 दिन तक यहां अभ्यास करेंगी। अभ्यास का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 26 फरवरी को सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक भारतीय टीम मैदान में पसीना बहाएगी। कंपनी का दोहरा कानून, एक जगह महंगा पानी दूसरी जगह दे रहे मुफ्त। राजधानी के बाद अब शहर से सटी पंचायतों में भी पीने का पानी महंगा करने के फैसले पर घमासान मच गया। लोगों ने कंपनी को निशाने पर लेते हुए इस फैसले पर सवाल उठाए। पेयजल कंपनी शिमला शहर के अलावा साथ लगते पंचायती क्षेत्र के सैकड़ों उपभोक्ताओं को पीने का पानी उपलब्ध करवा रही है, लेकिन एक जगह ये पानी महंगा और दूसरी जगह ये पानी मुफ्त दिया जा रहा है। हरियाणा की खेल नीति को अपना सकता है हिमाचल। मंत्री अधिकारियों के साथ की बैठक। हिमाचल प्रदेश में बड़े खिलाड़ियों को तैयार करने की संभावनाएं तलाशने का काम शुरू हो गया। इसके लिए हरियाणा की खेल नीति को अपनाया जा सकता है। हरियाणा की खेल नीति का मंथन करने के बाद प्रदेश में नई नीति का मसौदा तैयार किया जाएगा। मंगलवार को राज्य सचिवालय में युवा सेवाएं और खेल विभाग और पर्वतारोही संस्थान मनाली के कामकाज की समीक्षा करते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति पर मंथन किया जाएगा। डायरिया के मामलों में आई कमी, 57 गांव में हो चुकी स्क्रीनिंग। नादौन उपमंडल के जोल सप्पड़ क्षेत्र के विभिन्न गांव में डायरिया के मामलों में अब काफी कमी आई है और स्थिति नियंत्रण में है। ये जानकारी डीसी हमीरपुर देव श्वेता बनिक ने दी। बरोटीवाला में हादसा, कार की टक्कर से व्यक्ति की मौत। सोलन जिले के बरोटीवाला में कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये मामला शौकत अली निवासी बटेड़ बरोटीवाला के बयान पर दर्ज किया गया है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।